प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गांव में रहने वाले प्रत्येक गरीब परिवार को पक्का आवास देने का प्रावधान है, परंतु बड़े अफसोस की बात है कि ललितपुर जनपद के महरौनी ब्लॉक ग्राम पंचायत छैन में संजीव सेन का मकान अधिक वर्षा होने के कारण क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसके कारण इस परिवार को मजबूरन सचिवालय में रहना पड़ रहा है, जिससे इनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, क्या परेशानी हो रही है साहब? जी परेशानी है, यहाँ पर मंजूरी मिलती नहीं, हमारे पिताजी के पास एक एकड़ ज़मीन है, हमारे बच्चे 5 हैं, हमारे छोटे भैये के 3 बच्चे हैं, कोई सूची में नाम है नहीं है, इसलिए हम बाहर मंजूरी चले गए। 2 साल हो गए मैं दिल्ली काम करते हुए, तो पेट पाट ली है मंजूरी करते। यहाँ पर मान लो 2 महीना पहले बरसात हुई तो उसमें हम मकान गिर गया, हाँ ये लड़की रहती थी छोटी वाली, तो उसकी दवाई नहीं हो पाई उस टाइम पर सही ढंग से। आपके मकान में क्या क्या रखा था? गेहूँ रखे थे 4-5 क्विंटल, लड़की की शादी करने थी साहब, हमने सोची इस साल शादी कर लेंगे, दिन दिन पर दिन खराब आ रही मजबूरी, इसे हमने शादी कर ले मान लो, इसलिए पूरा सामान रखा था जुड़ा। आपका जब घर गिरा उसके बाद आपने कोई प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया? हाँ साहब, तहसील में दी, मंगल दिवस में SDM साहब के पास गए, निकपाल के साहब गए, तो उन्होंने क्या कहा? नहीं चलो दरखास्त दे दी, चलो सुनाई हो जाएगी, कल हो करेंगे, हम कल आएंगे या परसों आएंगे सब, तो कोई नहीं आया, कोई निकपाल ने सुनाई की कुछ नहीं ने सिक्योरिटी ने। कितने दिन पहले आपने आवेदन दिया था? अब तो समय मान लो 2 माह हो गया था। हम बड़ों लड़का बाहर है, 5 उनके बाल बच्चे हैं, एक बच्ची को हम इधर रखे यहाँ थे, सुबह बरसा में इधर रही आई, जो मच्छर ने काटो सुबह बीमार हो गई, सब खत्म हो गई। अच्छा, अब आप लोग कहाँ रह रहे हैं? हम जब पंचायत भवन है रोड पे, सब हम में डरे, सब मच्छर खा रहे हमारे बाल बच्चन को, सब खतरा फुनगुनी बुखार, एक बिटिया तो हमारी खत्म हो गई, 11 साल की लड़की हमारी खत्म हो गई, बड़े बच्चा की। उसकी दवा नहीं करवाई है? दवा को पैसे ही नहीं हते साहब, हमारा गुजारा नहीं चल रहा उत्ते में, न दवा करा पा रहे, न हम कछु करा पा रहे साहब। आप क्या चाहती हो? अब क्या चाहते कि हमें रेवे को घर जाने, और हमें शादी बिटिया की शादी 18 साल की भी, तो हमें पैसा चाहने साहब। मैं और मेरा समुदाय यह चाहता है कि संदीप सेन को जल्द से जल्द आवास मिले। इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि आप लोग महरौनी ब्लॉक के वीडियो के मोबाइल नंबर 94546 49 67 पर कॉल करके दबाव बनाएँ, जिससे इनको पक्का आवास मिल सके। मैं शंकरलाल, बुंदेलखंड क्षेत्र से इंडिया अनहट के लिए।